भाई हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया राजपूता ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और सभी को पता होगा कि एनिवर्सरी है आज मेरी, तो थोड़ा सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। देखते हैं सर जी क्या करते हैं क्या नहीं। वैसे सुबह से तो ऐसे ही बैठे हुए थे घर में, नाइट में कुछ बस मैंने सब डायलॉग मार दिया, इस वजह से थोड़ा हम लोग बोल रहे रेडी हो जाओ। तो अब देखते हैं निकलते हैं ऑफिस की तरफ कि क्या रिएक्शन होता है उनका। तो पहुंचते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। लो बात करो मामा, मामा बात करो मामा से। हेलो, ये ब्लॉग बन रहा है आपका? हाँ। हेलो गाइस, गाइस आ गए हम लोग हल्दीराम स्वीट्स। सरप्राइज दिया सर जी ने। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हल्दीराम स्वीट्स। हाय गुड। ओ माय गॉड, अब फाइनली डिसाइड हो गया है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एनिवर्सरी के दिन भी ये सब बात सोचनी पड़ती है। सोचो, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं। एनिवर्सरी के दिन हम लोग का प्लान बना कि हम लोग अभी जा रहे हैं तुरंत रिसेंट। और इसका हरदम का यही है, गाड़ी खड़ी होते चढ़ जाता है गाड़ी के ऊपर। तो गाइस आ चुका है चाउमीन नूडल्स। स्वर्णिमा को देखो, गाइस अब खाते हैं और टेस्ट बताते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ये नया खुला है हल्दीराम। लिस्ट भी देखना पड़ रहा था कि क्या मेन्यू हम लोग को चूज करना है और क्या मेन्यू का प्राइस है। तो सर जी मेन्यू ऑर्डर कर रहे हैं। कैसा है टेस्ट? टेस्ट तो गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं, मैं मेरी सिस्टर वेट कर रहे हैं कि कब आएगा मेन्यू, क्योंकि भूख लगी थी ये रहा नहीं जा रहा था। मतलब हल्दीराम का कुछ नाम सुन के इतना फेमस है। ओके ओके तो खा लेते हैं फिर भी। तो गाइस हम लोगों ने नूडल्स खा लिया है और नूडल्स का टेस्ट अच्छा नहीं था। टेस्ट इंप्रेशन से पता चल गया। अब खा रहा है बाबू। बाबू कैसे आ गई है राज की थोड़ी। अब इसका टेस्ट बताते हैं हम लोग खा के कि कैसा है इसका टेस्ट। तो पहले आप टेस्ट करोगे? हम भी करेंगे राज कचौड़ी हल्दीराम के भाई। या इनका नाम राज है ना, इसलिए राज कचौड़ी खाते ज्यादा ही। अब तो गाइस इसका बताते हैं टेस्ट खा के। चम्मच ले लो भैया, चार चम्मच सामने से भैया, चार चम्मच ले लो। चार चम्मच की दो चीज। सुनो गुरु सुनो, दो ले हमको तुम ले। ठीक ठाक है। तो गाइस निकल चुके हैं हम लोग हल्दीराम से और चाउमीन का टेस्ट तो बिल्कुल बाहिया था और उसका टेस्ट अच्छा था, राज कचौड़ी का टेस्ट अच्छा था। तो अब हम लोग देखो कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं। और गाइस सर जी ने गिफ्ट भी मेरे लिए प्लान किया है, तो देखते हैं क्या गिफ्ट देते हैं मुझे नाइट तक। लेकिन मैंने अभी तक कुछ लिया नहीं है, देखते हैं। हम भी आज तो नहीं ले पाएंगे, नाइट हो गया, लेकिन कल परसों तक लेते हैं। खड़ी हमारी ये खड़ी, देखो कैसे ये हे शैतान। तो हम बैठते हैं इसमें, ये हट गए सर जी। सर जी आज 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 खोलो तो पहले तो बोलूंगी, नहीं सुनोगे नहीं ना। ये रहा हल्दीराम स्वीट्स और ये रही हमारी गाड़ी। बस अब हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए। तो हटो भैया, तो हटो भैया, ये सबसे बड़ा महाराज है। मेरी सीट पे तुम क्यों बैठते हो? चलो उधर हो जाओ, उधर हो जाओ। बस निकल चुके हैं हम लोग हल्दीराम से। नाम का हल्दीराम, काम कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है, मतलब हल्दीराम बहुत ही बकवास था और प्राइस उसके हाई थे। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि हल्दीराम है तो मतलब प्राइस, अगर टेस्ट अच्छा हो तो पहले एक्सपीरियंस है और टेस्ट अच्छा हो तो पैसे भी देने में अच्छा लगता है। पर टेस्ट ही अच्छा ना हो तो भी प्राइस भी देने में तो बकवास लगता है। तो पहले दिए रहते हैं
ये तो वही तो बात है, इसी वजह से पैसे एकदम बेकार थी, टेस्ट बिल्कुल मतलब बाहियात था और बहुत गंदा चीज। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने हल्दीराम बहुत बार यूज किया भी है, बहुत बार गए भी है हम लोग, हमारे यहाँ का नया, लेकिन ये हमारे यहाँ नया खुला है तो हमने सोचा कि ट्राई करें एक बार नया यहाँ पर, तो टेस्ट अच्छा था। पता है तो गाइस सर जी कुछ बोलना चाहते हैं, रिव्यू दे रहे हैं अच्छा खासा, पर्सनली दूं और पर्सनल वाला दिल से वाला। हाँ दिल से वाला दो, जो भाई जो है एक्चुअलिटी में वही दिया जाएगा ना। हल्दीराम की चौमिन इतनी नॉर्मल थी और इतनी बकवास थी, इवन जो हमारे यहाँ वो लगाते हैं रेडी वगैरह पे लगाते हैं, एक्चुअलिटी यही है, एक्चुअलिटी है उनकी चौमिन इससे लाख गुना अच्छा टेस्टी होती है। हाँ ठीक है, और लोग बात करते हैं हाइजीनिक लेवल की, हाइजीन लेवल की, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट एकदम बेकार था ठीक है। और अरे बाप बना तो वही हाथ से रहे ना, की उली चौमिन होती है कुछ पता है नहीं, तुरंत बना के उली आया, स्टोर करते हैं, हाँ तुरंत बना के लिए आया, और ठेली वाले ना तुरंत आपके आंखों के सामने बनाएंगे, उनकी डेली खत्म होती है। किसी ने ज्ञान दिया था कि भाई छोटे होटल से खाने लेंगे, बड़े होटल में मत जाना कभी भी, बट मुझे लगा आज हमारी एनिवर्सरी है तो कुछ यार अलग करते हैं, अब हम जा रहे हैं सिंगला भाई, हमारा अच्छा है ये, हमारा हरदम का है सिंगला, मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा इसका प्राइस है और टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, मतलब प्राइस ज्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस है, क्वालिटी भी अच्छी है इनकी, हर चीज अच्छा है, थाली है जीएसटी अगर लगा के बात करें तो समथिंग 370 रुपए की, 75 रुपए की है ना, बाकी गाइस क्वालिटी सिंगला है, दूर से दिख गया होगा आप लोगों को, ये रहा सिंगला, तो इसमें जाते हैं हम लोग, जब जब देखूं तुझको देखूं मेरे गाना है, बस जाओ आंखों में मैं चेहरा बन जाऊं तुम्हारा, अरे चल यार मैं चेहरा बन जाऊं, बीच में ये कहां से आ गया चल यार, अरे वो बैगनर वाला था, अच्छा वाला, मुझे लगा ये गाने बीच में ये भी आ रहा है यार चल यार। ये है गाइस मंदिर हमारा यहाँ का सिंगला के जस्ट बगल में, भाई भीड़ बहुत मिलती है यहाँ लेकिन पार्किंग ना जगह नहीं मिलती यार, बस पार्किंग का यहाँ पे कुछ है नहीं सेटअप, हाँ इशू है, इशू हो गया, क्या हो गया, देखो आ गए हम लोग सिंगला, आ गए हम लोग सिंगला, अब यहाँ का टेस्ट तो अच्छा है। ओके बाबू मेन्यू ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर कर रहे हो क्या खाना है आपको, हेलो इधर देखो इधर क्या खाना है, क्या खाना है, हेलो देखो तो क्या खाना है, क्या खाना है, दादी मेन्यू ऑर्डर, मेन्यू ऑर्डर कर रही है, सॉरी क्या ऑर्डर कर रही है दादी, ए दादी नहीं है सहेली मैंने, अरे दादी नहीं हो तुम, गाइस सर जी कुछ बोलना चाहते हैं, अभी शिमला की भाभी शिमला की ऑनर भाभी माँ आई थी तो बच्चों को चॉकलेट दिए, तो मैंने कहा भाभी माँ इसकी क्या जरूरत है, तो उन्होंने बोला तुम्हें कुछ नहीं दे रहे इतना शरीर सा आदमी दे दिए वही बहुत है, तो अभी आप क्या बोल रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ तो उन्होंने बोला कि शरीर मतलब हर बीवी को अपना पति शायद बराबर होता है, लेकिन मैं शरीर हूँ, रीजन देखो पहली चीज भाई कैसे पति चाहिए होता है, उस पति में क्या क्या चीजें खूबी होती है, पति अच्छा हो देखने में, लुक वाइज स्मार्ट हो, भगवान की कृपा से अच्छा हूँ, देखो मुझे जैसा बनाया भगवान जी ने बनाया मैं अच्छा हूँ ठीक है, तो आप लोग स्मार्ट करो, स्मार्ट कह सकते हो थैंक यू ठीक है, देखो दूसरी चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, बंदा बंदे का नाम नेम हो फेम हो वो है, पैसा कमाता हो वो है, और अभी आप दुखी भी रहते हो, सुनो सुनो ना मैं लहसुन ना प्याज और गुटखा अल्कोहल दारू वगैरह कुछ पीता नहीं हो, मैं भी नहीं पीता, नहीं ला रहा है, लड़की भी शरीफ है, लड़की कौन सा पीती है, तो ये भी नहीं पीती, मैं मेरी बात बोली तुम्हारी भी बोली है, मैं बस दुखी रहता हूँ एक चीज से, भगवान की कृपा से अभी तो कोई कमी नहीं है लेकिन मैं दुखी चीज से रहता हूँ, मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करती भाई, तरसा देती है, एक बार ना गुप्ती थी कौन थी वो कभी समझो में, मेरे हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करते, मैं कहता हूँ मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं करती, ये रियल है भाई, इनका प्यार बोलो बोलो, इनका प्यार सोशल मीडिया में लगता है लेकिन रियल में कम झगड़ता है, अधिकांश रूप में गुस्से में रहते हैं, बच्चों की वजह से बच्चे इनको पिनकाते हैं तो बच्चों की पिनना की मत उतारती है, लेकिन दिल की साफ है ठीक है,
होली दिवाली से होता ना, हफ्ते में एक आध दिन प्यार कर लिया करते हैं। आप बोलना क्या चाहते हो, खुल के बोलो क्या बोलना चाहते हो। गाइस बस मैम मुझे प्यार नहीं करते, कम करती कम करती कम वाली, मतलब एक रुपये में से 25 पैसे वाला प्यार नहीं, नहीं इतना भी नहीं है जितना बोल रहे हो। 25 पैसा मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 सालों में मेरा प्यार बढ़ रहा है, इनका प्यार कम है। पहले प्यार था जब प्यार थे, जब अब बच्चे होने के बाद प्यार, बेटा 2.5 साल का हो गया, अब सोच लो 2.5 साल में कोई 3 साल का होने जा रहा है, 3 साल का, तो 3 साल में हमका प्यार कम हो गया, तो आगे भी कम होता ना चला जाए, तो अपना कमेंट जाए रखना इस पे कि पति को प्यार करूं कि ना करूं। गाइस सपोर्ट करो यार प्लीज, आपके सपोर्ट की नीड है मैं। गाइस देखो टाइम लग गया, गाइस इतना बनाया स्पेशली, ये स्पेशल ऑर्डर बनाया है, ये कितना ज़्यादा है, और हल्दीराम का चार्ज भी ज़्यादा और चीज़ भी कम। हेलो गाइस इसका टेस्ट बताते हैं, खा के इसका रिव्यू देते हैं कैसा है, आप इतना ही निकालो पहले रिव्यू दो, इसमें मशरूम वगैरह बता दें। ये ना एकदम बर्थडे डिवाइस है, ये स्पेशली बनी है बगैर प्याज की, सोचिए गाइस इतनी स्पेशल हो गई। गाइस इसका टेस्ट अच्छा है, तो हम भी खाते हैं फिर, अच्छी बात है, देखो फिर आगे क्या होता है। अच्छा है, कुछ कबाड़े से अच्छा है, कबाड़े से अच्छा है। गाइस ये मंगवाया है मेरी सिस्टर ने, मेरी बहन ने, ये मेरी मुझे मुझे मौसी का टेस्ट करना चाहिए। इसके आने से पहले वो वॉशरूम गई है, उसके आने से पहले सब चेक चेक के देख रहे कैसा है टेस्ट, कैसा है टेस्ट, टेस्ट कैसा शर्णिमा, अभी अभी खाया नहीं है, नहीं ये वो एप्पल नहीं है, ये ग्रेप्स है, ब्लैक ग्रेप्स। तो बस हो गया, अभी और कुछ ऑर्डर करना, अभी एनिवर्सरी का केक, केक रह गया, और अब मुझे सरप्राइज दिए, सरप्राइज दोगे क्या, दोगे जब केक कटेगा सब में सरप्राइज बटेगा, सब में नहीं तुम में बटेगा, मेरे में बटेगा। तो गाइस देखते हैं सरप्राइज क्या है, सस्पेंस है, सस्पेंस है, वेट करते हैं सरप्राइज का। आ गई है ये हमारी कुल्फी, लाइक कुल्फी, ये रहा कुल्फी, अब बाबू क्या खाएगा, कैसा है मेरा टेस्ट, एक नंबर। ये देखो आइसक्रीम खाई जा रही है, चाचा आइसक्रीम खा रहे हैं। बस मेरे लिए आ गई फालूदा कुल्फी, टेस्ट ले लिया फिर खाना। अब लल्ला अगर किसी की पुच्छी ले ले मजा आ जाएगा, ले गए ये डर क्यों, हेलो मजा आ रहा है, मौज आ रही है। गाइस देखो जबरदस्ती का सौदा वाला काम है, मतलब वही है ना, कहते हैं ना जब कुल्फी मंगाई थी सराफत में तो ये मंगा लिया फालूदा, और जो कि इन्हें पसंद नहीं आ रहा, अब वेस्ट करना नहीं चाह रहे, मीठा मीठा नहीं है वो, मीठा खा के मीठा लगता है, अगर यही फर्स्ट टाइम आता तो अच्छा लगता शायद। मैंने आइसक्रीम खाया, देखो गले से नीचे नहीं उतर रहा है, दूसरों को देख देख के उतारा जा रहा है। खा लिया, अरे इससे भी नहीं खाया जा रहा है, ये जबरदस्ती चेप पे जा रही है। अब मैं भाई मैंने उतना ही मंगाया सफिशियंट जितना मुझसे कहेगा, खा लिया कटोरा कटोरा चाटो कटोरा चाटो इसको। बबू किसका बर्थडे है,
किसका बर्थडे? मम्मी पापा का। पानी पी पी ये गले से नीचे उतारा जा रहा है। तो गाइस हमने ले लिया है सिंगला को, सिंगला से खा लिया जो भी खाना था, पेट भर चुका है ऑलरेडी। अब घर जाके केक काटेंगे अपना। केक कटेगा सब में बटेगा? नहीं बटेगा, नहीं हम ही दोनों में बटेगा, मम्मी पापा में बटेगा और मेरी सिस्टर में बटे, इससे ज्यादा किसी में नहीं बटेगा। और बच्चों में बटेगा? हाँ और बच्चों में बटेगा। और उसके बाद सरप्राइज मिलेगा। क्या बोल रहा है? सरप्राइज देखते हैं क्या मिलता है। केक कटेगा बच्चों में बटेगा। गाड़ी हमको इंडिकेट दे रही है कि बेल्ट लगा लो, हम बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, रीजन खा लिया है बहुत यार, अब पेट ना बाहर आ गया है। थोड़ी देर के बंद हो जाएगी, पास में ही है अपना घर यार, यहाँ से बस पहुँचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर घर निकलते हैं। गाइस हमने बेल्ट लगा ली है, ठीक है, कोई ये मत बोलना कि बेल्ट नहीं लगाई है, देखो सबूत दिखाओ बेल्ट लगा ली है। बेशक पेट निकल रहा है ड्राइव करते हुए, सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं कह रही बेशक पेट निकल रहा हूँ खा के लिए बेल्ट लगाई है भाई, रूल रेगुलेशन निकल रहा है लो, नहीं रूल रेगुलेशन को फॉलो जरूर किया गया। पेट नहीं निकल रहा है, ये हमारा फालूदा निकल रहा है, जो फालूदा जबरदस्ती खाया गया है वही निकल रहा है। फालूदा से नफरत हो गई मुझे, बहुत मीठा था यार, देख देख के कसम से यार। देखो जो चीज ऐसी चीज लो जो खा पाओ, जबरदस्ती मत लेके टेस्ट किया करो आप। नहीं अच्छा था बट हमारा ना एक्चुअली पेट भर गया था तो वो ओवरलोड हो रहा था। नहीं मोमबत्ती नहीं बजाना चाहिए, मोमबत्ती मत बजाओ, मधुबनी नहीं बजाना चाहिए, अरे नहीं बजाना चाहिए मोमबत्ती नहीं बजाना चाहिए। जल्दी ब्लॉग में शॉर्ट वीडियो ज्यादा लंबी रहेगी, एक सेकंड कोई एडिट हो जाएगी। नहीं रुको रुको, पीछे हो जा, नहीं हट आगे बैठो। अरे मेरे को बोला पहले लेने के लिए गाइस ये मिला है कानों का टॉक्स, मेरा फिंगरप्रिंट है इसमें, ये ले लो व्हाट इज लास्ट पूरा है ऐसे कानों। दोबारा दोबारा से ले लो, पजेब पजेब मैंने भी देखी स्नेक वाली अभी। थैंक यू, ये आ रही है, आ रही है, मैं भी दे दूं। ओके पता है कह रहे हो भाई, 150 रुपया देगा और भाई जी ओ भाई आपका गिफ्ट हिला हुआ इसीलिए राम से आधा इतने में प्यारा गिफ्ट है टोटल 3,000 रुपए तो गाइस हम लोग का एनिवर्सरी ऐसे ही रहा, जैसे भी देखा आप लोगों ने तो मुझे गिफ्ट भी महंगा वाला मिला है और अच्छा वाला मिला है। तो आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना भी ना भूले।